नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा प्रोग्राम धनु राशि एवं धनु लगन वाले जातकों को समर्पित है। आज की वीडियो में धनु लगन के लिए उपयोगी रत्न, कौन से देवता की उपासना करके आप समस्त प्रकार के संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों से पार पा सकते हैं, कौन सी ऐसी साधना है जो आपको लड़ने की शक्ति प्रदान करती है, मजबूत करती है, और धनु राशि वाले जातकों के विषय में वह समस्त बातें जो आपको जानना बेहद जरूरी है आज की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए, बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों विषय में आगे। ये धनु राशि से नवे स्थान में पड़ती है सिंह राशि, तो आपके भाग्य के स्वामी सूर्य हैं। आपको जन्म कुंडली खोलते के साथ ही सबसे पहले सूर्य, बृहस्पति और बुध, इन तीन ग्रहों की स्थितियों का अध्ययन करना चाहिए। इन तीनों ग्रहों में जो भी कमजोर है उसी का रत्न आपको धारण करना चाहिए। सूर्य के कमजोर होने पर आपका पूरा भाग्य कमजोर पड़ जाएगा, बृहस्पति के कमजोर होने पर पूरी जन्म कुंडली कमजोर पड़ जाएगी, और बुध के कमजोर होने पर आप अपने कार्यों का विस्तार नहीं कर पाएंगे। तो ये तीन रत्न आपके भाग्य रत्न है, जरूरत के अनुसार पहन लेने चाहिए। अब साधना उपासना की बात करते हैं। आप जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, ओम नमो भगवते रुद्राय, भगवान रुद्र का यह मंत्र जाप करके आप समस्त प्रकार की समस्याओं से तत्काल बाहर आ सकते हैं। आपके लिए शुभ वार हैं रविवार, बुधवार और गुरुवार। मारक ग्रह हैं शनि, बुध और चंद्रमा। चूंकि बुध सातवें घर के स्वामी हैं, इसलिए कारक भी हैं और मारक भी हैं। व्यापार वृद्धि के लिए तो राइट है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए रोंग है। तो यहाँ पर आपको इन तीनों ग्रहों की महादशाओं में या किसी भी ग्रह की महादशा में यदि शनि, बुध या चंद्रमा की अंतरदशा है तो आपके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से कष्टकारक हो सकती है। आपको सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में गुरु, सूर्य और बुध, इन तीनों ग्रहों को ही देखना है। अगर आपका बृहस्पति स्ट्रांग है तो आपकी पूरी जिंदगी स्ट्रांग है, और सूर्य के स्ट्रांग होने से आपका भाग्य भी स्ट्रांग होगा। इन तीनों ग्रहों की दशा में, यानी कि गुरु, बुध और सूर्य की दशा में आर्थिक लाभ की स्थिति आपको बनती है। यहाँ पर बुध मार्केश है, इसलिए डबल रोल रहेगा इनका, व्यापार में लाभ और स्वास्थ्य में हानि के संयोग यहाँ पर बनाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बृहस्पति और सूर्य। इस वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा स्ट्रांग जो कॉम्बिनेशन है वह पुखराज और माणिक का है, या फिर नीलम और पन्ने का है, लेकिन यहाँ पर इस लगन में पुखराज और माणिक रत्न आप एक साथ पहन करके विशेष लाभ उठा सकते हैं। कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।